नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में भूमि विवाद को कम करने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब बस एक क्लिक करने पर किसी भी जमीन का 100 साल पुराना रिकॉर्ड दिख जाएगा। अगर यह व्यवस्था लागू हो गई तो फर्जी कागज बनाकर सरकारी व निजी जमीन पर कब्जा करना अब कठिन हो जाएगा। इसके साथ ही जमाबंदी पंजी का पुराना रिकॉर्ड गायब होने का बहाना भी अब नहीं चलेगा। भूदान की जमीन न तो रिकॉर्ड से गायब होगी और न ही एक ही जमीन का दो बार पर्चा बटेगा। सरकारी जमीन की पैमाइश बार बार कराने की झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल राज्य सरकार जमीनी विवादों को खत्म कर अपराध रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य के सभी अंचलों में बन रहे अभिलेखागारों का आधुनिक तकनीक से लैस करने की तैयारी चल रही है। सभी अंचलों के अभिलेखागार डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होंगे। पहले चरण में राज्य के 163 अंचलों का चयन किया गया है। सरकार ने इसके लिए पैसे भी दे दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारण जिले के आधुनिक अभिलेखागार के लिए उपस्कर की खरीद की जा चुकी है। उस जिले के सोनपुर, मढौरा, एकमा, माझी व छपरा सदर में आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्र का भवन बनकर तैयार है। सरकार जमीन से जुड़े अभिलेखों को व्यवस्थित व सुरक्षित रखने के लिए उन्हें डिजिटल और स्कैन करा रही है। नई व्यवस्था में डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग की कार्रवाई इस प्रकार होगी कि भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें ट्रैक किया जा सके। नई व्यवस्था फुल प्रूफ हो इसके लिए निष्पादित वादों का स्कैनिंग कर अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाने से पहले उसे रिकॉर्ड संबंधित कार्यवाह लिपिक, प्रधान लिपिक और अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इससे वादों के रिकॉर्ड के साथ भविष्य में छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहेगी। आवश्यकता अनुसार वर्षवार संधारित सॉफ्ट कॉपी को हार्ड डिस्क में भी रखा जा सकता है। आपको बता दें कि राज्य के 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन बनाने का काम चल रहा है। लगभग 436 अंचलों में अभिलेखागार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। इन आधुनिक अभिलेखागार भवन में डाटा सेंटर भी विकसित करने के लिए 163 अंचलों को चिन्हित किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं उन सभी रिकॉर्ड्स पर जिन्हें डिजिटल सिस्टम में रखा जाएगा। कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान, चकबंदी खतियान, राजस्व ग्राम मानचित्र, जमाबंदी पंजी डिजिटलाइज्ड, नामांतरण पंजी, नामांतरण अभिलेख, नामांतरण शुद्धि पत्र की मौजावार रक्षी पंजी, भूमि बंदोबस्ती पंजी, गैर मजरुआ आम खास व कैसरे हिंद भूमि पंजी, भू हदबंदी भूमि बंदोबस्ती पंजी, भू हदबंदी अभिलेख भूमि क्रय पंजी, वासगीत पर्चा अभिलेख पंजी, राज्य सरकार द्वारा निर्गत हुए पत्रों, परिपत्रों, संकल्प अधिसूचना की रक्षित संचिका, गृह स्थल बंदोबस्ती पंजी एवं अभिलेख, भूमि मापी पंजी एवं अभिलेख, भू संपदा पंजी, सैराद पंजी, भूमि अतिक्रमण वाद पंजी एवं अभिलेख, भूदान, भूमि लगान निर्धारण एवं बंदोबस्ती पंजी तथा अभिलेख, महादलित भूमि क्रय एवं बंदोबस्त पंजी एवं अभिलेख, सैरात बंदोबस्ती पंजी एवं अभिलेख, वाद का पंजी एवं अभिलेख तथा गैर मजरुआ आम खास मालिक कैसरे हिंद धार्मिक न्यास वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान श्मशान आदि के भूमि से संबंधित पंजी। बताते चले कि बिहार में ज्यादातर अपराध भूमि विवाद के चलते होते रहे हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि राज्य में 60% आपराधिक घटनाओं की जड़ में भूमि विवाद होता है। भूमि विवाद से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।